अरे कितनी बार बताया वो सब्जी मंडी के पीछे पीछे है मेरा घर, वो अपना मैप कहाँ घुसा के रखा है। टाइम पे पहुँचना तो आता नहीं है, रेटिंग 5 स्टार चाहिए तुम्हें। वो मैप में देख और जल्दी आ, मेरा इंटरव्यू है 12 बजे। भाई क्या हुआ, सब ठीक है? 20 मिनट में इंटरव्यू है मेरा। ये चिलबुजा पिछले आधे घंटे से छुपन छुपाई खेल रहा है मेरे साथ। मैंने जिंदगी में अपनी आइटम का उतना इंतजार नहीं किया जितना ये गोला और कुबेर के ड्राइवर करवाते। मैं बोल रहा हूँ तुझे, आज के जमाने में लड़की पटाने से मुश्किल काम है एक कैब ड्राइवर पटाना। कैंसल कर दिया साले ने, कैंसल कर दिया। क्या नाम है इसका, अभी रिपोर्ट करता हूँ। विकास, फिर तो इसके आने की कोई उम्मीद भी नहीं रख सकता। जिसका इंतजार था किया तूने सदियों से, उस भड़वे ने यूटर्न मारा तेरी ही गलियों से। जब जब मैं कैब बुक करता हूँ उसका ड्राइवर फोन करके पूछेगा सर जाना किधर है। मैं पहले रिक्शा से ट्रैवल करता था, वो हर बार पूछता था सर जाना किधर है। मैं तंग आके टैक्सी से ट्रैवल करने लगा, वो भी हर बार पूछने लगा सर जाना किधर है। फिर मैंने टैक्सी छोड़ी और ऑनलाइन कैब बुक करने लगा, फिर भी ये भड़वा पूछता है सर जाना किधर है। नहीं तुम्हें लगता क्या ये बात छुपा के रखूंगा मैं तुमसे? सर कहाँ जाना है? नहीं अभी नहीं बताऊंगा, जा। सर बताओ ना कहाँ जाना है? नहीं मेरा मूड नहीं है अभी। सर क्यों टाइम खोटी कर रहे हो बताओ ना। अच्छा पहले एक पप्पी दे दे फिर बताऊंगा। जब तू पहली बार कुबेर बुक करता है उनके कॉल सेंटर वाले तुझे गिधड़ों की तरह नोच खाएंगे। जैसे ही मैं कुबेर पे कोई कैब बुक करता हूँ उनका फोन आएगा सर आपने कैब बुक किया, फिर SMS आएगा सर आपने कैब बुक किया, फिर मेल आएगा सर आपने कैब बुक किया, फिर एक कबूतर आएगा चिट्ठी लेके सर क्या आपने कैब बुक किया, फिर पड़ोसी बेल बजाएंगे सर आपने कैब बुक किया है फोन आया था, फिर सपने में कुबेर देवता प्रकट हो जाएंगे OTP लेके। और ये OTP का बहुत नाटक चल रहा है आजकल। कैब बुक करनी है OTP, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है OTP, होटल बुक करना है OTP। ये OTP का इन्वेंशन किस गधे ने किया बे? अभी न्यूटन बोला तो कबूतर बन के टट्टी करूंगा तेरे सर पे। यहाँ ऊपर उड़ने वाले घोड़े भी OTP मांगने लगे आजकल। मुझे तो सेक्स करने के लिए भी OTP मांगा। क्या? चलो ये सब अत्याचार झेलने के बाद हम गाड़ी में बैठ गए। 90% ड्राइवर ऐसे मिलेंगे जिन्हें सिर्फ बकबक 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 करनी होती है और इनके पास बोलने को एक ही बात होती है कि ये धंधे में आने से पहले मैं इंजीनियर था, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर था, कोई बोलेगा मैं मैनेजर था, कोई बोलेगा कंपनी में CEO था, कोई बोलेगा NASA में साइंटिस्ट था, एस्ट्रोनॉट था। तुम लोग क्या खुद को जॉनी सिन समझते हो हा? जो सारे काम एक साथ कर लोगे। और जब मैंने इनसे पूछा कि छोड़ क्यों दिया तो बोलते मुझे वहां पे मन की शांति नहीं मिली इसलिए मैं यहां आया, यहां मुझे काम करने की आजादी महसूस होती है। आजादी? 4 साल इंजीनियरिंग में पिछवाड़ा घिसने वाले के सामने तू आजादी की बात छेड़ता है? मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों के नुन्नू को फांसी देना चाहिए। बकबक 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 लगा रखिए। तू गोला और कुबेर में जब भी कोई टैक्सी बुक करेगा तुझे वैगनर ही आएगी, माइक्रो बुक करेगा वैगनर आएगी, मिनी बुक करेगा वैगनर आएगी, प्राइम बुक करेगा वैगनर आएगी, रिक्शा बुक करेगा फिर भी वैगनर ही आएगी। और उसका ड्राइवर बोलेगा सर एक पहिया निकालो हो जाएगी रिक्शा, लेकिन हम बैंचो आपको वैगनर में ही लेके जाएंगे। नहीं वो ऐप में माइक्रो मिनी प्राइम टैक्सी लिखने के बजाय लाल वैगनर, सफेद वैगनर, काली वैगनर लिखना शुरू क्यों नहीं कर देते? इंडिया की नेशनल कार घोषित क्यों नहीं कर देते? इसे देश के हर गली में वैगनर दिखाई देती है। अरे सस्ती मिली तो आइसक्रीम की जगह टट्टी खाने को भी तैयार हो जाते हैं हमारे लोग। अर्ज किया है इरशाद के टप्पू के पापा जेठालाल। वाह। के टप्पू के पापा जेठालाल वैगनर में बैठे बैठे हो गए चुत्तरलाल। एक बार मैंने गोला शेयर बुक की, सोचा आज शेयर कर लेता हूँ पैसे बच जाएंगे। फिर मैंने ऐप में देखा तो वहाँ लिखा था नाउ यू आर ट्रैवलिंग विद रसिका। अब रसिका सुन के मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने पहले से ही अपने दिमाग में रसिका को इमेजिन कर लिया था, जैसे जिन स्टॉप में एक हॉट सी लड़की बैठी होगी गाड़ी में। मैं डीओ परफ्यूम मार के नीचे गया, एक सफेद कलर की वैगनर मेरे सामने आके रुकती है जिसमें एक 100-150 किलो का डंपर बैठा है। नहीं 50 साल की औरतों का नाम रसिका कब से होने लगा बे? यहाँ बैठे बैठे मेरे खड़े अरमान सो गए। भाई मैंने भी एक बार गोला शेर बुक की थी, फिर शेर आया ही नहीं, एक पीली गाड़ी आ गई। ये चप्पल कहाँ गई मेरी? दुनिया मानती है कि दुनिया का सबसे ग्रेट इन्वेंशन है GPS। मैं मानता हूँ ग्रेट है, लेकिन आप भिखारियों के हाथ में अमृत भी क्यों ना दे दे, ये लोग अमृत से गांड धोएंगे। रेगिस्तान में भी जब आप ओला बुक करोगे जहाँ पूरे इलाके में सिर्फ एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे आके कॉल करेंगे सर आपकी बिल्डिंग नहीं मिल रही। फिर जब मैं उसे देखने नीचे गया चूतिया ने स्विमिंग पूल में गाड़ी पार्क की थी। मैंने पूछा क्यों तो बोलता है लोकेशन वहीं पे दिखा रहा था। और कुछ नमूनों को तो लोकेशन पे पहुंचने में ही सदियां बीत जाती है। हाँ भैया कहाँ पे हो? सर बस 2 मिनट आ रहा हूँ। हाँ भैया कहाँ पहुँचे? सर बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अरे भैया कितना टाइम हो गया, कहाँ पहुँचे? सर पीछे नाके पे ही उसर, सिर्फ 2 मिनट सर, आ रहा हूँ। अरे भैया कहाँ पहुँचे? सर बस दो मिनट सर, सर मैं आ रहा हूँ सर, सर सिर्फ 2 मिनट। अरे बाबा कहाँ पहुँचे? सर मैं आ रहा हूँ सर, सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ। अरे भैया कहाँ पहुँचे? सर 2 मिनट सर, आ रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। अगर आप मेरी जीवन की अन्य जानकारियां जानने में उत्सुक हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। आई हैव यू।